देवास जिले के नेमावर में आचार्य श्री विद्यासागर जी ने कलश स्थापना कार्यक्रम में श्रद्धालुओं से कहा कि जिस प्रकार राष्ट्र रक्षा में लगे सैनिक राष्ट्र की रक्षा से कभी पीछे नहीं हटते, वैसे ही भगवान ऋषभनाथ और महावीर भगवान की चर्चा चली आ रही है। उस परंपरा का पालन करने वाला साधक भी एक बार जो कदम आगे बढ़ा देता है तो फिर कभी पीछे नहीं हटता। पंचम काल अभी शेष है और धर्म का अभी अभाव नहीं। बता दें कि जैन तीर्थ सिद्धोदय क्षेत्र में आचार्य विद्यासागर जी महाराज के सत्संग चतुर्मास को लेकर कलश स्थापना कार्यक्रम में आसपास से हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर धर्म लाभ अर्जित किया। वहीं देश के कई प्रांतों सहित विदेश से भी अनुयायी नेमावर पहुंचे। कलश स्थापना के लाभार्थी हेलीकॉप्टर से भी आए। प्रशंसा की बात नहीं है, आप सुन सकते हैं, पूछ सकते हैं, अनेक कलश उनका इसी प्रकार का है। इस घटना से सभी लोगों को ज्ञात होगा कि हमारे इस धन का क्या उपयोग है, क्या मूल्य है, किस समय यदि उसका उपयोग हम नहीं कर सकते। ऐसी बात को सुन करके जो मंगला बंगाल के ऊपर जो कि विदेश में है उसमें चले जाते थे वो पशु सारे सारे ब्रह्मपुत्र नदी को पार करके सेना को अलर्ट कर दिया जाता। कोई भी व्यक्ति इस प्रकार गायों का मृत्यु का पशुओं का ले जाना ये करता है नहीं जांच करता है, उसको छोड़ा नहीं जाए, किंतु वह छूट गए फिर भी वहाँ पर नदियों को पार करा करा करके छुप करके जा रहे थे। उन सबको रोक करके वहाँ पर व्यवस्था तात्कालिक जितनी बन सकती है वह की गई है और वहाँ पर उस 100 एकड़ जो व्याप्त है उसके अध्यक्ष भी योग से चयन ही थे और उनको कहा गया है कि तुम इस समय विलंब क्यों कर रहे हो। एक साथ वहाँ पर युद्ध स्तर पर काम चालू हो गया और सभी पशुओं की रक्षा के लिए यहाँ पर बैठे भी इस करुणा की कथा को सुन करके कई लोग विफल हो गए और समझा कि हमें भी इसमें अपना योगदान देना चाहिए। ऐसे करुणा की धारण करने वाले और कठिन परिश्रमों को सहन करने वाले भी दूसरे जीवों के दुख को देख करके वह जिसके हृदय में कभी यदि दया अनुपम प्रभाव नहीं होता तो कभी भी महावीर या ऋषभनाथ भगवान का धर्म चलने वाला नहीं है। अपने स्वार्थ के लिए आप कठिन परिश्रम सहन करो, उपसर्ग सहन करो, किंतु ये सारे सारे जीवों के ऊपर होता है इसको दूर करने के लिए पहले प्रथम कदम उठाओ। ऐसे सम्यक दृष्टि की पहचान के लिए ये लिखा गया कर्माया अभाव मोहस्य चिन्हम। यह 2000 वर्ष पूर्व में कुंदकुंद ने प्रवचन सार में लिखा है और आपको होशियार कहा कि यही जागृत हो जाओ। ऐसे अहिंसा से अहिंसा की धारणा करने से ही साधना करने से ही वह धर्म निष्परिग्रह धर्म दयामय धर्म अहिंसा धर्म अविनाशी सुख को देने वाला धर्म यहाँ पर जीवित रहेगा। अभी पंचम काल शेष है, फिर बाद में देखा जाएगा। जब तक यह पंचम काल है तब तक के लिए धर्म का अभाव नहीं होगा। आप जैसे व्यक्ति ही धर्म की पहचान करके इस धर्म को आगे बढ़ाएंगे। ऐसे मुनि महाराज जो कि एक वर्ष में 4 महीने के लिए लगभग यह संकल्प लेते हैं जीव जंतु से यह पृथ्वी धरा भर जाती है तो हम विहार नहीं करेंगे। नेमावर से EMS TV के लिए विमल जैन की रिपोर्ट।